हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं पटेटो चीज़ सैंडविच, जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये बनाइए, बहुत ही अच्छा स्नैक है। तो चलिए, इसके लिए क्या चाहिए हमें, बॉइल्ड पटेटोज 2-3 मैंने बारीक काट करके प्याज ली है, 1 कटी हुई हरी मिर्च, इसके लिए लिया है चीज़ ग्रेटेड, मेयोनी और ऑब्वियसली ब्रेड तो इसमें होनी ही है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई रखी है गैस पर और उसमें डाला है 1 चम्मच बड़ा रिफाइंड ऑयल, और उसको गर्म होने के बाद डाला है इसमें हींग चुटकी भर और 1 चम्मच जीरा और 1 ही चम्मच डाला है राई के दाने, और उसको अच्छे से तड़कने देंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने प्याज बारीक बारीक काट करके रखी थी वो डाल देंगे, और प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमें जब तक पिंकिश हो जाएगी तब तक हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसमें अभी डाल देंगे हम जो मिर्च बारीक काट करके रखी थी वो डाल देंगे, और इन दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चीज़ का, और इतने क्रीमी लगते हैं ये सैंडविच खाने में। बच्चों के लंच में दे सकते हो, या आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हो। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है ये, बहुत जल्दी बन जाता है, और सबका मतलब सबको फेवरेट तो है ही सैंडविच, सबको अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बॉयल्ड आलू थे उसको अच्छे से मैश कर लिया, और मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे। और अब हम इनको मिला देंगे और थोड़ा चम्मच से दबा दबा करके, ताकि जो अच्छे से इसके अंदर मिल जाएं और अच्छे से मैश भी हो जाएं बाकी के। और अब हम डालेंगे इसमें मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा 1 चम्मच थोड़ा सा और रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि चटपटा बहुत अच्छा लगता है मसाला, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला का बहुत अच्छा टैंगी टेस्ट आता है। और अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर भी इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं इसकी जगह पर, और डाल और 1 चम्मच डाल दिया इसमें गरम मसाला, और इन सब चीज़ों को अब अच्छे से मिला लेंगे, और अच्छे से जो चम्मच है उसे अच्छे से दबा दबा करके पूरा जो मसाला है अच्छे से इसमें मिला देना है, ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से एक सार हो जाए। जो आलू के मोटे मोटे टुकड़े हैं उसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे हम, ताकि हमारा एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट ही पकाना है इसको, सारे मसाले इतनी देर में हमारे मिल जाएंगे। बस हमारा गैस ऑफ कर देंगे और हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब मसाले को हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब हम ये हम बाउल के अंदर ही डालेंगे, कढ़ाई में नहीं डालेंगे। ये मेयोनीज 5 से 6 चम्मच और ग्रेटेड चीज़, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो कढ़ाई में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी पहले ही, इसलिए दूसरे बाउल में डालने के बाद ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मिलाएंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे
और चीज़ डालने के बाद हम जो मसाला है उसको अच्छे से पूरा मिला लेंगे ताकि हमारा मेयोनीज और चीज़ अच्छे से मसाले के अंदर मिल जाए। बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है, बच्चों को तो चीज़ है या मेयोनीज है बहुत अच्छी लगती है और सैंडविच इतने अच्छे तैयार होते हैं इससे। और सैंडविच आप हरी चटनी है, सॉस है या मेयोनीज के साथ खाइए या चाय के साथ खाइए, सभी के साथ अच्छा लगता है और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। और ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इसको एक साइड रख देते हैं और अब लेंगे हम ब्रेड स्लाइस। तो ब्रेड स्लाइस पर हम घी लगाएंगे, ब्रश से घी लगा लेते हैं पहले ताकि जो हमारा सैंडविच मेकर है उस पर हमारे ये ब्रेड चिपके नहीं और अच्छे से सिक जाए। तो आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हो और अच्छे से हम लगा लेंगे। और अब हम इसको उल्टा करके रख देंगे और इस पे अब मसाला है वो अच्छे से सेट कर देंगे। तो स्पून से मसाला ले लेंगे अभी और इसको अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम सैंडविच मेकर पर भी हल्का सा ग्रीसिंग कर देंगे घी से ताकि जो हमारे सैंडविच है इसमें चिपके नहीं। और अब हम इसको गैस ऑन कर देंगे, बिल्कुल सिंपल इसको सेकेंगे, दोनों तरफ से पलट करके सेक लेना है। देखिए मैंने इसे ये सेक गए हैं हमारे और सारे सेक करके इस तरह से तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। और आप सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ और चाय के साथ एंजॉय करिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।